अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, मैं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर व्लॉग 1122। इस टाइम मैं मौजूद हूँ म्यूज़ियम के अंदर। तो ये आप मुजस्मे वगैरह, तलवारें सारी जो देख रहे हैं, ये बरसवीर के जैसे हुक्मरान गुजरे हैं, ये सारी उनकी चीज़ें हैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये गज़नवी सल्तनत में फ़ौजी लिबास होता होगा। तो ये सारे तीर तलवारें वगैरह ये भी गज़नवी हुकूमत की मलकियत होंगी। तो आगे भी देखते जाएं, ये पेंटिंग वगैरह की हुई है। और ये जो झंडे हैं, ये भी होंगे किसी हुक्मरान के दौर में इसी तरह के। तो इधर जो हैं, ये आई थिंक गौरी ही की हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, ये गौरी सल्तनत के ड्रेस है, उनके फ़ौजी ऐसे ही लिबास पहनते होंगे। और ये इधर हैं तीर तलवार और सेफ्टी की जो भी चीज़ें थी। और ये सामने एक फ़ौजी ठहरा है जो कि ढाल लेके ठहरा है। और ये सब चीज़ें देखें, ये एक बना हुआ है बादशाह की तस्वीर, और ये ड्रेस हैं। ये अब भाई साहब, ये बंदूक वगैरह का दौर आ गया है। तो आप ऐसे समझें कि एक ज़माने से गुजर कर दूसरा मिंटर हो गया है। ये सब आर्मी वेपन है, नाम तो नहीं आते। तो आप ये देखते जाएं, और ये टेलीफोन है, इधर तलवारें भी हैं भाई साहब। तो ये बंदूकें, ये चीज़ें आई थिंक उसी दौर की होंगी। और ये देखें, ये एक बॉम्ब है, पता नहीं क्या चीज़ है। और ये एक फ़ौजी लिबास है, किसी बड़े चीफ का होगा, जो उस ज़माने का होगा। और ये दरवाज़ा भी पुराने ज़माने का है। और ये दूसरा फ़ौजी लिबास है भाई साहब। बड़ी बड़ी पुरानी चीज़ें इधर संभाल के रखी हुई हैं। और ये देखें, सब तलवारें, ये एक लोटा रखा हुआ है। और ये आप आगे देखें, एक सिलेंडर है आई थिंक, कोई ऑक्सीजन का होगा या किसी और चीज़ का। ये सेफ्टी हेलमेट है। आगे एक और आर्मी ड्रेस है भाई साहब, उसी दौर में तो इस ड्रेस को देखकर बड़े बड़े लोग कांप जाते होंगे, लेकिन अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये सारे आई थिंक टैंक के ही हैं गोले, ये आर्म्स, ये लिबास। तो आप ये देखें कि पुराने ज़माने में लोग इन ड्रेस को देख के कितना डरते होंगे, और अब इनकी कोई औकात भी नहीं है, बस लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये कर्नल रैंक की है, और ये तकरीबी टोपी, ये इधर म्यूज़ियम में बहुत सारी आर्मी आपको चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी। ये सब भी कुछ इधर है, ये देखें। और ये डिटेल भी नीचे दी हुई है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और किस दौर की हैं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं है कि बंदा इन सब को पढ़े। तो अब हम इंटर हुए हैं किसी और ही जगह, जहाँ पे और चीज़ें रखी हुई हैं आर्मी की, बड़ी चीज़ें। ये देखें, बड़े बड़े गोले रखे हैं। माया तो डरना लगा है, नहीं खौफ कोई भी।
फ्रेंड्स, अब मैं म्यूज़ियम से बाहर आ गया हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।